हेलो सर, खमा गणी, तो स्वागत है आप सबका टुडे ब्लॉग में। और हम लोग आ चुके हैं जयपुर। जैसे आप सबको पता है, मेरा एक पहले ब्लॉग आपने देखा होगा जिसमें कि मैं जयपुर आ चुकी हूँ। और काफी दिनों से मैं अभी ब्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मैं थोड़ा रेस्ट मूड पे गई हुई थी। और आज हम लोग जा रहे हैं बीकानेर, तो उसकी मम्मी ने बहुत सारी प्रिपरेशन की है। तो अभी रोटियां तो मैं बना रही हूँ और मम्मी ने ये देखो पुए बनाए, क्योंकि हमारी दीपिका मैडम उसने कहा है कि क्या वासा आपका हाथ का पुआ खाना है मन। और ये बनाएंगे हम आलू की सब्जी और चटनी बनाई मम्मी ने, चटनी ये सिलवटे पे पीस के, ये सिलवटे पे पीस के इतनी टेस्टी चटनी आई ना, मुन्ना पानी आ गया मार दो। और अभी मैं बना रही हूँ रोटी और पापा के लिए हमारे बन रही चाय, क्योंकि पापा को चाय पीना बहुत जरूरी है। तो करते हैं आज की शुरुआत। वैसे दिन की शुरुआत तो बहुत जल्दी हो गई थी, अभी दिन से शुरुआत कर रहे हैं हम। रात क्या टाइम हो रहा है, 12:30 हो गई है, तो शुरुआत हो चुकी है ब्लॉगिंग की। अब देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन रखते हैं। और सो अभी हमारी सवारी निकल चुकी है बीकानेर के लिए। मैं नील और लवली तो पहले ही जा चुके हैं। हाँ नीलिया, तो ये हमारे दो, एक सूटकेस और एक हमारी गाड़ी आ चुकी है। नीनू और पापा और अभी तक नहीं आए, वो रहा एक है ना दो। हाँ रहे। क्या हो रहा है? नाना जी घुमा, नाना घुमाएंगे इस बार। क्या हो रहा है नील को? बटन खोलो, खोल दो, बटन खोल, खोल दो ना। बदमाश हो गया अभी ये। मैं नहीं ले रही, नहीं ले रही मैं, नहीं ले रही मैं। ये बैग किसका है? ये बैग किसका है? मामा को बोलो। अब मत छोड़ो उसको, एक जगह ये लग गया काम के अंदर। हाँ चेन खोलना, बंद करना बस। बंद कर दो। बारिश की तो एक बूंद को नहीं, हरियाली देखो। हरियाली तो हो गई बोलते हैं इस मौसम में। क्या इतनी मस्ती करने के बाद में इसको नींद आई है। और अभी हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। परसों पहले दिन मैं हर शाम जा रहा था, इधर से रॉन्ग साइड ले ली, साला नदी नहीं छुड़ाया मैंने। चले आ जाओ, 1 2 3 ले ले उठा ले ले। चलो रे, ऐसी गर्मी के अंदर टिकट भी कंफर्म नहीं हुई है, स्लीपर के अंदर हम लोग जाएंगे। क्या हालत होने वाली है पता नहीं। मेरे मामू साहब को देखना तो क्या कैप वैप लगा के ओ भानु तो लंबो दूर हाथ हिलायो ना, थारी हाथ देख रहा पिछाड़ी वाले गाठे खड़े है। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। अरे बंदर, इसको मैं लेने वाली थी। हमारे नानी साहब मामू साहब कहीं बड़े घूम रहे हैं, डॉक्टर को धूप लग रही है। कहाँ अटक गए थे? क्या इसको लेने गया था, अटके क्या? कहाँ लेने गए थे? तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन S6 के अंदर है। हमारा जो रिजर्वेशन होता है वो नहीं हुआ, स्लीपर ही हुई है। कोई ना, चलो एडजस्ट करेंगे। भवि दादा हमारे ब्लॉग में फिर से आ चुका है। हेलो भवि, कैसे हो? अच्छे हो? कैसा लग रहा है बीकानेर जाके? अच्छा लग रहा है। राधे राधे करो, राधे 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 राधे। हैप्पी जर्नी। हमारी ट्रेन रवाना हो चुकी है जयपुर से। बाय टाटा, बाय बाय लवली, इधर कर इधर, बाय। हैप्पी जर्नी सबकी। मैं आ रही हूँ बटी, नहीं क्यों कही गेरी बटी जा? अब इतना दूर दूर कर दिया डब्बा तो। पापा तो भी लिखो बैठे आगे का, दूर दूर कर दिया। भाभी तू तो यहीं रहेगा ना, कि तू भी जाएगा मम्मी के साथ? तू तो यहीं रहेगा ना इधर हमारे पास?
कि तू भी जाएगा मम्मी के साथ? मैं उधर वाले डब्बे में जा रही हूँ, तू इधर बैठा रहेगा नीलू के साथ, उसके साथ यहाँ बैठ के थ्रिलर चला लेना, बोर हो जाए तो मेरे को बता देना, ठीक है? जाएगा ये तो तेरे तेरे को छोड़ दो, नाम भूल जा, दो तीन नाम भूल जा, फोन क्या होता है आगे तक फैला हुआ है तो सूरज से तो पूरा चांदी लग रहा है पानी, सूरज की वो किरण गिर रही है, चांदी लग रहा है पानी पूरा, चांदी बिछी हुई हो यार। देखो मामो सबको इतनी जल्दी भूख लग गई यहाँ पे, पूरा सिस्टम शेड है हमारा, या तो पूरी खाली पड़ी है। आजो इधर आजो, आजो टिकटी गया क्या उधर? बंद करो, बंद करो, क्यों बंद करो, बंद बंद क्यों बंद करो? मामू सा कहीं खिला रहे आप? मम्मी ने कुरकुरिया कहीं बोले तो अभी मैं और मम्मी भी तो यहाँ आ गए क्योंकि हमें भवी से मिलना था कि भवी ने क्या क्या खाया वो देखना था हमको, और भवी तो कुछ भी नहीं खा रहा, बस बाहर की चीजें खा रहा है, खाना तो खा ही नहीं रहा है ये। अभी अब देखो फ्री टाइम में हम लोग बनवा रहे हैं यहाँ पे मेहंदी, ये बनवा के बैठी हुई है, हाँ तो बड़ों काम करे माँ के घर में, ऑटो में बैठी थी ना तो मेरी ऐसे हो रही थी हालत कि पिल्लो हो रहा है क्या हो रहा है। अब सही हो गया था रो हमारे एक बंदरिया है जो ऐसे गाना गाती रहती है तो ये बैठ के हमारे दर्शक है दुनिया इतनी ये सब। अरे एक सेकंड चिन्ह दीदी, चिन्ह दीदी साइड हो, ये एक और दर्शक हमारे, अरे हटो ना, जाने माने चाहिए ना मोना राठौर, मोना राठौर कहिए राठौर नहीं है राठौड़।
राठौड़ी तो मुझे मलाई बोलियो राठौड़ बात ही गाइस गलती बोलती है देती है ऐसे ही पहली बार ब्लॉग बना रहा हूं गाइस कौन है गाइस देख लो आपका ज्यादा मन चेहरा एंड टाइम पे मेहंदी बनवाता हुआ सभी एंड टाइम पे बनवाते हैं क्या ये देखो एक चढ़ रहा है सॉरी गाइस ओ तो गाइस आप सोचेंगे मैं कौन हूँ जो ऐसे पकड़ पकड़ कर रहा हूँ मैं ये युवराज सिंह शेखावत इनका क्या हूँ मैं भाई हूँ ना भाई इनका बुआ सा का बेटा मामू सा का बेटा अरे ये सॉरी सॉरी रीटेक 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 सो गाइस आप सोच रहे होंगे ये कौन है जो पकड़ पकड़ कर रहा है ये और कोई नहीं इनका ही भाई युवराज सिंह शेखावत है जो इनके मामू सा का बेटा है ठीक है हाँ तो मेरे लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना चलो बाय नो 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 गंदा बच्चा ये गंदा बच्चा है ये नीनू गंदी बच्ची है पीना है आपको पीना है नौटंकी भी तो चॉकलेट देना चाहिए भाई और नील की भी चॉकलेट मंगवा किसको अरे दीपा देगी ना उसको दीपिका आंटी तो मैं पता ही नहीं है अच्छा दीपलिन तो मन मन मार कर भेज दीपा को बोल मेरे को भी दे अरे अभी पता नहीं मेरे को गुन्नू को मैं मैसेज कर दूंगा बाय 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 कहां जा रहा नील वो नील देखता ही नहीं है क्या हो रहा है मम्मी हाथ पे हाथ पे क्या हो रहा है कहीं देखो बताओ वैक्स करवा रहा है लगाई कौन तू ओ सॉरी ये लगाई तो लगा बैटर लगा तो लियो कही हुए अच्छा ऑटो खरीदेगी ऑटो खरीदेगी नहीं तो लेकर आई थी ये देख कत्ती खराब है ना मैं बोली लगावा की खातिर जद ना क्यों लेके आई हूं आपने नहीं लगाई क्या नाम झूठ बोल रही है नहीं कौन ही ऑर्डर कत्ती गंदी हुई हमारी मेहंदी बुआसा के लिए चीज निकल गई बढ़िया है हेलो हेलो
अरे मेरी बात सुनो ना। हाँ सुना। हमारे वहाँ आ रहे हैं ना अंडे में जो S3 S4 जो बड़े सेम टू सेम आपकी सुनो ना आपको जान को या जो सलवार सुनते ना सेम टू सेम आपको जान को। सलवार अच्छा। पैर पैर में जा शरीर में हाँटा हाँटा मतलब। अच्छा पैर। पैर पैर आके बोल। तुम मत देखे हाथ धो रहे बट बाथरूम को मत यार पीछे थाप के देते जितने पे मन देखे पहले और सुन सॉरी मैं तो मोना दीदी को समझ के आया मैं इन बोले भी हूँ मैं इन बोले भी हूँ रुक जा लेकिन रुकी को नहीं मान रही चालती की आपकी तू भी आजा नीचे आजा रियल की है नीचे आजा ओ हेलो नीचे आजा तू भी नीचे आजा बी एड कराने के बाद कितने गंदा लगता है तू आप कितने गंदे लगते हो आ जाओ नील आ जाओ गमी गमी है नीनो तो अभी यहाँ पे जो ट्रेन क्रॉसिंग होने वाली है उसको टाइम लगेगा उसको आने में तो तब तक हम लोग यहाँ पे रेस्ट मोड पे आ चुके हैं बाहर की ताजा हवा लेने के लिए वहाँ पे हम लोग मेहंदी मेहंदी खेल रहे थे अब यहाँ पे मम्मी और चीनू मेहंदी मेहंदी खेल रहे हैं और यहाँ पे थी क्रॉसिंग तो अभी ट्रेन निकल चुकी है अभी एक और क्रॉसिंग दिखती है नहीं अब अपना हॉर्न बज गया है आ जाओ पापा बोल नाना आ जाओ नाना आ जाओ जल्दी आ जाओ अब बीकानेर आने वाला है बहुत जल्दी जल्दी आओ जल्दी आओ जा रहे होगी अपना काम तो भी फीका रहा है क्या बाबू का मामू सन उठा रहा था सुता रह जा वाला ज्यादा चिंता है सही बात है धीरे धीरे बाबू आराम से तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बीकानेर रेलवे स्टेशन पे और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ रवानगी और भाभू को मैंने साथ ले रखा क्योंकि भाभू बहुत धीरे धीरे चलती है इसलिए बाकी सब आगे पहुंच चुके हैं मैं आपको दिखाती हूँ तो चलो बाबू चलो चलो अब मिलते हैं अपने संदीप भैया और संदीप भैया से वो देखो गाड़ी में रख रहे सब सामान ये हमारी फैमिली जो कि हम लोग आए हैं बीकानेर तो अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं नील और भाभी की दोनों की मस्ती शुरू हो चुकी है अभी मैंने आपको दिखाया वो देखो हमारे बड़े वाले मामी सही है रे तो आज का व्लॉग हम यही खत्म करते हैं अभी हम लोग पियेंगे चाय वाय फिर कल मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ में तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।